हेलो दोस्तों, मैं कार्तिकेय सिंह 2018 यूपी पीसीएस में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर चयनित हुआ हूं और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपने अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। प्रथम तो हम अपने बैकग्राउंड के बारे में आपसे बात करेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे यूपी पीसीएस की तैयारी अच्छे से की जाए और कुछ भ्रांतियाँ हैं उनसे हमें बच के रहना है। मैं जौनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव असैथा से आता हूं, साहगंज तहसील में पड़ता है और वहीं सुल्तानपुर से ही मेरी शिक्षा दीक्षा शुरुआती हुई है। उसके पश्चात हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही बीए एमए और यहीं से हम पीएचडी किए। देखिए, एक बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि माध्यम कब आता है मामला, तो मेरा माध्यम हिंदी रहा है और मैं कहूँ कि वो अवधि का पुट लेते हुए रहा है। तो देखिए, अंग्रेजी जो है वो आपको सेलेक्ट करवा सकती है, चयन सूची से बाहर करवा सकती है, पर अगर आप थोड़ा सा भी समर्पित हैं तो मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम से अगर आप राइटिंग आपकी ठीक ठाक है, स्पीड आपकी ठीक ठाक है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। थोड़ी सी कमियां रही कि आपने हिंदी चुना, तो अब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। सर्वप्रथम तो ये देखिएगा कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कैसे लिखते हैं, कितना बेहतर शब्दों का चयन करते हैं, आपकी स्पीड कितनी अधिक है, और तो अगर मुझे लगता है कि आप तैयारी करना शुरू किए हैं तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कि सबसे पहले तो तैयारी शुरू करने से पहले ही आप एक काम करिए कि आपकी स्पीड पर्याप्त हो जाए, लिखावट मतलब आपकी अच्छी हो। इसके लिए आप नकल लिख सकते हैं, कोई आपका मित्र बोल दे या आप ही खुद से, तो ये सब चीज़ें कर लीजिए कि आपकी स्पीड पर्याप्त रहे। और शब्दों का चयन, जब आप एनसीईआरटी वगैरह देखते हैं तो कीवर्ड्स आपके आ ही जाते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और स्पीड आप किया जाए तो प्रेजेंट जब आप जितना बेहतर कर लेंगे, ज्ञान बहुत मायने नहीं रखता है, 100 वर्ड 150 वर्ड ही लिखने होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस समय अपने आप को जितना रिलैक्स रख करके अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर लेते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर, डाउनलोड एंट्री नाउ। और एक चीज़ आप देखेंगे कि प्रकृति का एक नियम है, वो सर्वत्र लागू होता है। हम भूगोल में पढ़ते पढ़ाते हैं कि जैसे नदी अपने अगर बहाव को दोगुना कर ले, नदी का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो उसके कटाव की सामर्थ्य 16 गुना बढ़ जाती है। वही चीज़ें हमारे यहाँ भी तैयारी में भी लागू होती हैं। आप देखेंगे कि जो 3 घंटा आकर के पढ़ता हो वो 10 साल यहीं रह जाता है। अच्छा, अगर आप उसको 6 घंटा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 2-3 साल में आदमी सेलेक्ट हो जाता है। और आप देखेंगे कि जितने टॉपर्स हैं सब यही कहते हैं कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं, 13 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, तो 2-3 साल में वो सेलेक्ट होकर के चले जाते हैं। तो प्रकृति के नियम सर्वत्र लागू होते हैं। आप आए हैं तो थोड़ी सी मेहनत शिद्दत के साथ कर लीजिए, और मुझे लगता है कि 1-2 साल की तैयारी पर्याप्त होती है। बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट में एक हौआ है, उससे थोड़ा सा बचना है। आप देखेंगे कि फलाना सर हैं, फलाना भैया हैं, दीदी हैं, इतने दिन से लगे हुए हैं। देखिए, लगे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, उनकी तैयारी भी है। कुछ लोग ऐसे जेन्युइन हैं, पर बहुतों आपको ऐसे मिलेंगे कि वो आप उनसे सच में देखेंगे उनकी जीवनचर्या को या उनकी कार्यप्रणाली को, तो आपको लगेगा कि वो अपने साथ पूरा जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो अगर 6-7 घंटे आप 8 घंटे मेहनत कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल पर्याप्त होता है। देखिए, अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो मुझे लगता है कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तो आप अलग अलग मत पढ़िएगा। बहुत लोग हैं जैसे गांव से आते हैं तो वो उनका यही होता है कि भैया कौन हैं, हमारे सीनियर हैं, फलाना भैया हैं, तो वो बता देते हैं। तो आप अलग अलग चीज़ें उनसे पूछ करके झगड़ू भर किताबें लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सब, बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, इच्छा ही मर जाती है पढ़ने की। तो आपको ये काम करना है कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है। अब जो कर सकते हैं वो कर लें, पर मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए। आप पहले तो पूरी एनसीईआरटी लेके आइए,
उसको 2-3-4 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हो कायदे से पढ़ लीजिए। तो उसे क्या होता है कि हर विषय के अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर विषय की अपनी कुछ भाषा होती है। तो जैसे हम आपको बताएं कि अगर आप ये लिखते हैं कि हवा बहुत तेज़ी से बह रही है, तो ये शब्द उतना, वाक्य उतना बेहतर नहीं है जितना है कि वायु का प्रवाह तेज़ी से तीव्र गति से हो रहा है, या हवा ऊपर उठ रही है नीचे गिर रही है, तो वायु का आरोहण अवरोहण। तो ये कीवर्ड्स होते हैं कि आपको उस विषय के ही शब्द हैं, वो उसी विषय में आपको उपयोग करने हैं। तो जब आप NCERT पढ़ते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा खूबी मुझे लगता है कि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है, वो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आप एक काम करिए कि जितने जैसे विजन हैं, ये टेस्ट सीरीज करवाते हैं, GS वर्ड हैं, दृष्टि हैं, IAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा मेंस का, तो आप सबका सार्व लेके आइए, सब उपलब्ध हैं, सार्व लेके आइए, उसको कई बार पढ़िए। तो एक आप उससे आपके अंदर मेंस कैसे लिखा जाता है या किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए आपको पता हो जाएगा। तो सभी जितने टॉपर्स हैं आप IAS वगैरह के, एक चीज़ ये करिएगा कि उनको देखिएगा, वो आपको बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे कि अपनी कॉपी कैसे प्रेजेंट करनी है। तो अलग अलग तैयारी नहीं होती है, PT की, मेंस की, दोनों। आप इतनी NCERT करिए, उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आइए, उसको सॉल्व करिए, इससे आपकी काफ़ी मेंस की तैयारी हो जाएगी, PT भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब स्पेशल जब PT का है तो आप PCS के लिए अगर आप दे रहे हैं, तो चाहे वो UP हो, बिहार का हो, MP का हो, कहीं का भी हो, तो आप घटना चक्र वालों का है, हिंदी मीडियम के लिए देखिए ज़्यादा कारगर है, इंग्लिश में भी शायद आने लगी हैं उसकी, तो घटना चक्र लेके आइएगा, उसमें आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पा जाएंगे। तो एक चीज़ मुझे समझ में आता है कि ये कारगर इस नाते है कि जैसे मान लीजिए 1857 है, तो अगर आज तक सभी आयोगों ने मिल करके 25-30-40 क्वेश्चन उससे बना दिया है, तो अब उससे बाहर फिर 1857 पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायनेमिक क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट के आ जाएंगे, तो करंट वगैरह के लिए कोई मैगजीन आप जो प्रेफर करें, बहुत सारे हैं, चाहे विजन की अगर आप लेंगे तो थोड़ी स्टैंडर्ड हो जाएगी, UPSC की तैयारी में आपकी मदद हो जाएगी, और नहीं तो ऐसे घटनासार वगैरह की आती रहती हैं, लक्ष्य वगैरह की आती रहते हैं, तो आप ले करके उनको देख लीजिएगा, तो वो आप मेंस में, PT में, सब में मदद करेंगी। तो पूरा घटना चक्र जब आप पढ़ लेंगे 2-3 बार, और आपकी NCERT ऑलरेडी तैयार ही है, 3-4 बार आपने उसको पढ़ लिया है, एक आपकी समझ आ गई है, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, आपको PT हो जाएगा। और मेंस की आपकी तैयारी पर्याप्त NCERT से, और उससे बाहर कुछ बेसिक बुक्स हैं, जैसे ले लीजिए रामसन शर्मा साहब की प्राचीन इतिहास, बिपिन चंद्रा साहब की आधुनिक भारत, और सतीश चंद्रा की मडुवल ले लीजिए, एक एक दो दो बार पढ़ लीजिए, और आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा है उससे काफ़ी कुछ मदद आपकी मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत वगैरह हैं। और एक चीज़ और है कि जब आप पूरा सिलेबस देखेंगे मेंस का, तो आपको 2nd पेपर में और 3rd पेपर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स मिलेंगे। तो उसके लिए आप जैसे गवर्नेंस है, आपदा प्रबंधन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, विजन वगैरह की या किसी की भी जो आप समझते हो या कहीं कोचिंग से ही आप उसकी छोटे छोटे नोट्स आते हैं, तो आप उनको ले करके 2-3 बार आप उनको पढ़ लीजिएगा, तो मुझे लगता है सभी टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं, जो आपको ना मिले किताबों में, आप NCERT में ना मिले, जो बेसिक बुक्स है उसमें ना मिले, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। और 4th पेपर के लिए D सुब्बा राव साहब की है, क्रॉनिकल की है, तो क्रॉनिकल मुझे लगता है कि पर्याप्त है, क्रॉनिकल ले लीजिएगा, उसको 2-3 रीडिंग मार लीजिएगा। केस स्टडी के लिए विजन की आती है, 50-60 केस स्टडी उसमें है, तो उसको लेकर के आप एक बार ऐसे ही 2-3 बार उसको पढ़ लीजिएगा। बस पढ़ते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है। अगर कभी भी कोई भी चीज़, जैसे मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में अभी PCS में इतना डीप वीप जाते नहीं हैं, तो आप चीज़ों को बहुत, जैसे मान लीजिए एटीट्यूड है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, तो एटीट्यूड एप्टीट्यूड में अंतर क्या है, एटीट्यूड होता क्या है, कैसे डेवलप हो सकता है, यही सब चीज़ें इसकी समस्याएं, या आप IAS बनना चाहते हैं या PCS बनना चाहते हैं, प्रशासन में आ रहे हैं, तो इसका उपयोग यहाँ कैसा है, ये चीज़ें हैं। और
थर्ड पेपर के लिए साइंस टेक स्पेशल हो जाता है। देखिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सबके पास उपलब्ध हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए पूरा हो गया, गवर्नेंस के लिए एक पतली सी ले लीजिए लगभग हो गया, आईआर के लिए विजन की पतली सी आती है उसको देख लीजिए, फर्स्ट पेपर आप पूरी एनसीईआरटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर ही हो जाता है, 11 की समाज विज्ञान से ही कवर हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर में बहुत सोचने की जरूरत नहीं होती, थर्ड पेपर में थोड़ी सोचने की जरूरत होती है, और स्पेशली उनके लिए जो गांव से आ रहे हैं, जैसे उसमें साइंस टेक आता है, और तो अब साइंस टेक के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप पूरा करंट कायदे से तैयार किए हैं तो आपकी तैयारी करंट से ही अधिकांश क्वेश्चन इसमें आते हैं, और इसके लिए रमेश सिंह वगैरह बहुत मोटी मोटी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, नहीं तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की है आप उसको पढ़ लीजिए, तो आपको एक बेसिक समझ हो जाती है, उसके बाद करंट फिर आप तैयार करिए। और साइंस टेक के लिए आप सिर्फ करंट पर रहिए निर्भर, जो दो तीन क्वेश्चन और आते हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी को नहीं पता होते हैं, तो उसमें आप अपने समझ का उपयोग करिएगा, मुझे लगता है लिख लेंगे थोड़ा बहुत। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको पूरी चीज़ें आ ही रही हों, थोड़ा थोड़ा पता रहता है, बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा करके भी काम चला लेते हैं। तो देखिए अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिर भाई ठीक है, आप उसके लिए अलग से लेके आइए मटेरियल पूरी, आप बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, या एनसीईआरटी पूरी फिर साइंस की पढ़िए, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर इतना नहीं जूझना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, आप बेसिक साइंस की आपकी समझ है, कक्षा 11, 12 में जो प्रौद्योगिकी वगैरह है, नैनो प्रौद्योगिकी वगैरह है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, कक्षा 6, 7, 8, 10 तक तो पढ़े ही हैं, तो करंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब उस पर आप बहुत अच्छे से अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी किताबें, काफ़ी मटेरियल लाना पड़ेगा। देखिए जैसे जब हम मेंस लिखने जा रहे हों तो हम वहाँ अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें ये बहुत मायने रखेगा। तो इसके पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो मुझे एक छात्र और एक शिक्षक दोनों का नज़रिया थोड़ा सा पता है, और आप भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि कोई चीज़ कैसे बेहतर लग सकती है, कैसे किसी को प्रभावित कर सकती है। पहला तो आप किसी चीज़ को अपना कैसे प्रेजेंट करना है, थोड़ा सा मैं भी अभी सीखने की ही प्रक्रिया में हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं, तो फिर ठीक है सीखते हैं। तो देखिए मेंस जब आप लिखने जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी विषय हो, जैसे आपने किसी भी विषय का चयन किया, कोई भी आपका क्वेश्चन आया, तो पहला तो उसके बारे में आप एक कोई पंचलाइन दे दीजिए कि भाई ठीक है अगला प्रभावित हो गया एक दो लाइन में, कि अगर मान लीजिए उसके बारे में कोई डेटा वगैरह नहीं है, किस मिनिस्ट्री वगैरह से कोई है, मान लीजिए किसी योजना के बारे में पूछ लिया आपको नहीं पता, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, या क्या कितना वो प्रभावशाली है, वो योजना कितनी प्रभावकारी है, आप उसके बारे में एक लाइन बता दीजिए, फिर मेन बॉडी पे आ जाइए। और हमेशा एक चीज़ देखिए कि कभी भी कुछ किसी भी क्वेश्चन में आपसे निष्कर्ष पूछे ना पूछे आपको देना ही देना है, दो तीन लाइन का एक निष्कर्ष अच्छा सा तैयार रखिएगा। निष्कर्ष आपके कैसे हों कि जैसे वो एक सुधारक मतलब एक प्रशासक जैसे जो सोचता है उसी तरीके से आपके हों, कि समस्या का निदान भी आप प्रस्तुत करिए, और वो निदान ऐसा हो कि भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता को संरक्षित रखते हुए वो भारत को ऊंचाई पर लेके जा सके, और भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर, इसको पूरा बना करके रख सके। तो आपका ऐसा सुझाव होना चाहिए। सुझाव हमेशा याद रखिएगा कि आप संविधान के जो कर्तव्य आपके हैं उनको याद कर लीजिए, उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा फलाना कर्तव्य के तहत, या आपके अधिकार हैं उनको आप देख लीजिएगा, नीति निदेशक तत्व हैं, तो आप ये उल्लेख कर दीजिए कि इस अनुच्छेद के तहत भी हम ऐसा ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। तो बस आपका एक जो निष्कर्ष हो वो हमेशा एक सुझाव वाला हो, और भारत को एक बेहतर दिशा देने वाला हो, हमारे समाज को एक बेहतर दिशा देने वाला हो, अगर ऐसा कुछ सुझाव है, और हमेशा आप अपना एक निष्कर्ष दीजिए ही दीजिए। मेंस में मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, आप बहुत सारे टॉपर्स हैं, आप हमेशा एक चाहे DKT के चैनल हों, विजन के, इन सब पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनके कई लेक्चर्स पड़े हैं सुनिए, लेकिन रोज़ नहीं सुनिए, दिमाग में रख लीजिए फिर उसी पे काम करिएगा। देखिए कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, पहला तो ये कि हम कोचिंग करें ना करें, नोट्स बनाएँ कि ना बनाएँ, और कितना घंटा पढ़ें। तो देखिए एक एक पे हम बात करते हैं, पहला तो ये कि कोचिंग मुझे बहुत समझ में नहीं आती। अब आपको कोई भी आपका सीनियर वीनियर कोच कर दे तो ठीक है,
आप जा करके 1.5 लाख रुपया देते हैं। सबसे बड़ी बात तो इतना समय लगता है, 1.5-2 साल आप जा करके पूरा अपना समय बर्बाद करते हैं। देखिए, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं, आप फ्री में भी पा सकते हैं। मृणाल से अच्छा बताइए कौन इकोनॉमी पढ़ाएगा, या हम आपको बताएं कि भूगोल है तो आप ऐसा सोझा भूगोल विभाग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व विभाग अध्यक्ष रहे हैं, दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने पर्याप्त वीडियो डाल दिया है, आप उनको देखिए कि जो भारत में वर्तमान में नामी गिरामी जो सबसे अच्छे पढ़ाने वाले होंगे उनके 1/10 पे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि छात्र ही नहीं, एक शिक्षक के रूप में भी मुझे लगता है कि मैं उनके जब भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप फ्री में पा सकते हैं, ज़बरदस्ती का भटकने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और अगर पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त सक्षम हैं, दिल्ली विल्ली रह रहे हैं तो भाई ठीक है, बाजीराम वगैरह तो है ही, यूपीएससी के लिए आप कर सकते हैं। पर यहाँ सामान्य फैमिली से आ रहे हैं तो कोई करने की ज़रूरत नहीं, आपकी समझ है, किताबें पढ़ के समझ सकते हैं तो करिए, इतना ही पर्याप्त है, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते तो आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब वगैरह से, सीनियर वगैरह से। और देखिए, जैसे लगता है कि नोट्स बनाएं ना बनाएं, तो ये प्रश्न आप बहुत ध्यान से अगर कभी देखेंगे तो ये सिर्फ आलस्य के नाते आपका प्रश्न है। तो जो आलसी है वो लिखना ही आपको है, लिखने का ही एग्ज़ाम है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करिए ही। बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो मत बनाइए। किताब है, NCERT लेते हैं तो उसमें आप अपना अंडरलाइन कर लीजिए और थोड़ा बहुत लिखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और मेंस वगैरह की टेस्ट सीरीज अगर आप कर सकते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे हैं, बहुत महंगा नहीं, बीजन का ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही GS वर्ड वगैरह 2-3 हज़ार दे करके अपना ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि व्यवहारिक चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जान भी नहीं रहे हैं, तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और घंटे पढ़ने वढ़ने की बात रही तो 10 घंटा 12 घंटा ऐसा कुछ नहीं है, 5-6 घंटा पढ़िए, रेगुलर टच में रहिए, बीच बीच में एंजॉय भी करिए। हाँ, एग्ज़ाम आ जाए तो फिर ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, इतना पर्याप्त है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि करना है, कोई ज़बरदस्ती भेजा हो तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर करना है और दिल से चाह रहे हैं कुछ करना, उस चयन सूची में अपना नाम देखना चाह रहे हैं या टॉप करना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा शिद्दत चाहिए, कर लीजिएगा। 1 साल 1.5 साल इसके ऊपर नहीं है, बहुत लोगों ने गुमराह करके चीज़ों को रखा है और आप भी उसी में बना लेते हैं कि सबसे कठिन एग्ज़ाम, सबसे कठिन वठिन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा और मुझे लगता है कि इतने में आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और जितने तैयारी करने वाले हैं सभी को शुभकामनाएँ कि ईश्वर करें कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को पाएँ। सभी तो बन नहीं सकते, पर आप अपने जीवन में हमेशा बेहतर करें। और DKT चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें रखी और बहुत सारी चीज़ें आपको मिली भी होंगी और कई सारी चीज़ों से आप संतुष्ट भी नहीं हुए होंगे। पर एक चीज़ आखिर में कि आप कभी भी बहुत सारी चीज़ों रोज़ इंटरव्यू देखते हैं, ये सब मत करिए। 2-3-4-10 जितना भी देखना है 1-2 दिन देख लीजिए, 1 सप्ताह पूरा अपना शेड्यूल रखिए, पूरा देखिए, फिर उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी खुद की बनाइए, जुट जाइए। करना ही एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र तरीका है, वही आपका विकल्प भी है, तो करिए। देखिए, GS पेपर के अलावा आपके आपका सब्जेक्ट आता है तो मेरा जैसे सब्जेक्ट जागर फिर रहा, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप एक काम करिएगा कि पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। हार्ड हार्ड टॉपिक होते हैं हर सिलेबस के, तो उन पे आप 100-100 वर्ड का एक फर्स्ट पेपर के लिए 100 क्वेश्चन आप ऐसे 100 टॉपिक चूज कर लीजिएगा और सेकंड पेपर के लिए ऐसे 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक चूज कर लीजिए, उन पे 100-100 वर्ड के आप नोट्स बना लीजिए और वही रिवाइज करिए। मुझे लगता है कि आपके अगर आप सभी हार्ड हार्ड टॉपिक जैसे उस विषय के सबसे अच्छे अच्छे टॉपिक ले लिए हैं तो आपका अमूमन क्वेश्चन उसी से फंस जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बहुत मेहनत करनी, बहुत तैयारी करनी है तो पूरा फिर सिलेबस पढ़िएगा, पर इतना अगर आप करेंगे तो ये बेहतर है।
और एक चीज़ है कि हिंदी के लिए और निबंध हिंदी के लिए जितना मैं समझ पाया हूँ कि अब अगर आप हरदेव बाहरी के लेकर के मुहावरा रटते हैं तो 5000 मुहावरा ही पढ़िए, पर अगर आप एक काम करेंगे तो कोई भी मार्केट की किताब ले लीजिए जिसमें यूपी पीसीएस के लिए मुहावरे हों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो 500 आगे मुहावरे दिए रहते हैं और पीछे लगभग 400-500 ही वही उसी में से लगभग फंसा रहता है, तो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो पूछे हैं तो आप उनको देखिएगा। तो जब आप वही सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 10 में से 9 या 8 तो पक्का आपके उसी में से फंस जाते हैं, एक आध बाहर से आता है तो पूछ के भी काम चल जाता है और नहीं तो आप खुद भी उतना एक गेस कर लेते हैं। रही बात कि आपको पत्र लेखन के लिए, तो पत्र 6-7 तरह के पत्र हैं, सरकारी और सरकारी, उनके रिमाइंडर, तो इसके लिए आप बताइए या तो आप हिंदी के लिए आप एक महीना दीजिए या एक सप्ताह या अधिकतम 4 दिन दे दीजिए, 4 दिन 5 दिन, एक सप्ताह अधिकतम इतने में हो जाता है। तो पत्र ले करके बैठ करके एक दिन फ्रेमिंग कर लीजिए, टिप्पणी कैसे लिखी जाती है क्या है, फ्रेमिंग कर लीजिए और उसको एक दो बार सोच लीजिएगा, फिर एक दो दिन ट्राई कर लीजिएगा, एक कॉपी लेके बैठिए 3-4-5 पत्र लिख करके, फिर उसको 2-3 बार ट्राई कर लीजिए कहाँ कौन सा कामा लग रहा है। लेकिन देखिए कि जैसे सरकारी ही पत्र कई किताबों में देखेंगे अलग अलग है, तो कोई एक उठाइए उसी से सिर्फ लिखिए कहाँ कामा लग रहा है, कहाँ पूर्ण विराम लग रहा है, कहाँ कोष्टक बनाया गया है, तो वो एकदम पूरा आपके दिमाग में फ्रेमिंग होनी चाहिए, वही रट लीजिए और वही जा करके वहाँ उगल देना है। तो अब बहुत याद करना, आपको कभी पत्र नहीं लिखना होता, पत्र का फॉर्मेट मिलता है जब आप अधिकारी बन जाते हैं, तो वो आपके टाइपिस्ट काम करेंगे। ये चीज़ें हैं, अब पैराग्राफ दे देता है उस पर अंडरलाइन कर देगा कि इसकी व्याख्या करिए। अब मुझे लगता है कि व्याख्या अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी दे रहे हैं, तो कोई भी शब्द है कि कोई भी वाक्य है उसकी व्याख्या, तो इतना डीलिंग पानी किए हैं तो कर तो सकते हैं, व्याख्या करना कोई बहुत, बस किसी से इतना प्रभावित मत हुई कि ऐसे ऐसे ही लिखना, आप अपना एक तैयार करिए कि ठीक है ऐसा लिखना है, स्टैंडर्ड शब्द रख लेने हैं। चीज़ें बहुत कठिन नहीं है कि हिंदी के लिए हम इतना मेहनत करें कैसे करें। रही बात निबंध की, तो निबंध एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कौन सा आयोग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये आपके दिमाग में रहे, यूपीएससी का देने जा रहे हैं कि यूपीपीएससी का देने जा रहे हैं, सीनियर से मिलिएगा। यूपीपीएससी में क्या होता है कि आप हेडिंग पर आप डालिए और कलम, जैसे आप पेन हैं तो नीली और काली दोनों उपयोग करिए, मतलब यूज करिए, और अंडरलाइन पर्याप्त करिए, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में हम स्टैंडर्ड बहुत लिखते चले गए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है पैराग्राफ में लिखिए तो फिर हेडिंग वगैरह, सब हेडिंग वगैरह डाल दीजिए कि लाभ है तो फिर सामाजिक आर्थिक क्या है, तो ये कायदे से, तो ये अगर आप काम करते हैं। और निबंध उबंध के लिए मुझे लगता है कि बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप 10-15 टॉपिक ही देखेंगे, हमेशा हर साल उसी से आता है। जैसे स्त्री है तो स्त्री एक समय हमेशा ज्वलंत विषय रहेगा, क्योंकि आप प्रशासक हैं तो उनकी समस्याएं हैं, उन्हीं के निदान के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों के लिए चीज़ें पूछ ली जाती हैं। पर्यावरण इस समय हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा टॉपिक रहता है, इशू रहता है, तो आप जब भी बनाइएगा जैसे इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह पर, जब भी तो मैप बना दीजिएगा, मैप भी बना दीजिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएँ हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दे लेंगे, और निबंध के लिए बहुत नहीं कुछ ही टॉपिक्स हैं, इन्हीं पर अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी पर ही क्वेश्चन आते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर, डाउनलोड एंट्री नाउ। तो ये 10-12 ऐसे मुद्दे हैं, आप बैठ करके सोचिएगा तो इन पे ही आपके प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या, इन्हीं पे आपके अधिकांश क्वेश्चन जो हैं आ जाते हैं। और यूपी पीसीएस में आप देखिएगा तो कबीर, तुलसी और साहित्य, समाज का दर्पण, ये ऐसे ही, ये सब इनके सबसे प्रिय विषय हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछेगा ही पूछेगा, और इन तीनों में से एक टॉपिक तो पूछ ही पूछ लेता है, तो इन पे तैयार कर लीजिएगा। रामचरितमानस पे तुलसी के विचार से संबंधित इनके निबंधों में ये प्रिय है यहाँ, तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा सटीक होकर के स्टडी करिए, देखिए।